नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि बिनों के बारे में, और बिनों के बारे में हमने तुलना कर दी थी बिनों की, जिसमें हमने अवरोही आरोही क्रम को निकालना सीखा था। आज की वीडियो के अंदर हम बिनों के योग, बिनों के घटाव, बिनों के गुणा भाग, सरल रूप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बिनों का योग। बिनों का योग, जैसे हमारे पास एक, मान लीजिए बिन दी गई है, जैसे कि हमारे पास एक बिन है जिसके अंदर हमें दिया गया है कि 1/2 को, 3/4 को और 5/6 को जोड़ना है। तो इसको किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके एक सरलीकरण सूत्र को देख लेते हैं, यानी कि उस सूत्र में होता क्या है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ए बटे बी के रूप में एक बिन होती है और उसका ए ऊपर का भाग यानी कि ए है वो होता है अंश, और बी है नीचे का भाग वो होता है हर। तो आपको याद रखना है कि अंश व हर कौन से होते हैं, तो इससे हमारा जो पूरा का पूरा बिनों का टॉपिक चलेगा। तो ये चीज़ आप ही याद रखिएगा। तो अब देखिए, आप बिनों का जो योग है वो किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम हरों का एलसीएम लेंगे, यानी कि हरों का लघुतम समापत्य लेंगे। हम लघुतम समापत्य ले लिया हमने, यानी कि सभी का हमने लघुतम समापत्य ले लिया, जितने भी हमारे पास हर है। उसके बाद क्या करेंगे, इस लघुतम समापत्य के अंदर हम भाग दे देंगे हरों का, यानी कि अगर हमें इसका निकालना है तो इस हर का भाग दे देंगे हम, यानी कि हर का भिन्न का हर, यानी कि जिस भिन्न का हमें निकालना है वो के उसका हम निकाल लेंगे, ठीक है, भिन्न का हर, और उसको हम गुणा कर देंगे भिन्न के अंश से। इतना काम हो गया, और यही चीज़ हम दोहराते जाएंगे, यानी कि जितने पद है उतने बार हम इस चीज़ को दोहराएंगे, और बटे में हमारे पास आएगा हरों का लस लघुतम समापत्य। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लस निकालेंगे, यानी कि लघुतम समापत्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हर है 2, 4, 6, यानी कि मैं कर देता हूँ 2, 4, 6। तो सबसे पहले हमने 2 पे किया 1, 2, 3, फिर से हमने 2 पे किया 1, 1, 3, फिर से हमने इसको 3 पे कर दिया, और 3 पे करने के बाद हमारे पास 1, 1, 1 आया। अब यहाँ से हमारे पास लेस है, क्या चीज़ आ चुकी है, लेस है आ चुका है 2 × 2 × 3, यानी कि इसका जो लघुतम समापत्य है वो हमारे पास बन चुका है 12, ठीक है। अब हमारा कार्य यह था कि सबसे पहले हम हरों का लेस लेते, यानी कि इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो ये लिखेंगे नीचे लेस है, जो कि हमारे पास आ चुका है 12। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे करेंगे हम हरों का लेस है, ठीक है, हरों का लेस है कर दिया, और उसमें भाग कर देंगे हम हर का बिन का हर। तो सबसे पहले हम इस बिन के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 का हमने भाग कर दिया, और इस बिन के अंश से हमने इसको गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह है। फिर से वही चीज़, यानी कि हरों का लेस का है 12 है। इसके बाद में हम इस बिन के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने 4 से इसको भाग कर देंगे और गुणा में लगा देंगे 3। इसी प्रकार अगले पद के लिए, यानी कि 12/6 और गुणा में 5। इतनी चीज़ हमें इस प्रकार से करनी है, तो ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको भाग दिया, तो ये 6 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 5 और बटे में हमारे पास है 12, और ये आ गया हमारे पास कितना, 6, 9 और 10 और बटे में हमारे पास है 12, और इसका जब हमने एलसीएम निकाला तो ये आया 25/12, और ये किस बिन के, अनुचित बिन के रूप में है, और अनुचित बिन को हम मिश्र बिन में बदल देते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2 × 1/12, यानी कि ये हो गई हमारे पास अनुचित और मिश्र बिन भी, यानी कि इस प्रकार से हम बिनों के योग को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बिनों के घटाव को। तो प्यारे बच्चों, अगजाल तो हमारा टॉपिक है वो कहता है कि बिनों का घटाव हम किस प्रकार से करेंगे। अगर हमें पता था कि बिनों का योग किस प्रकार से करते हैं तो हम घटाव भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जहां बिनों के जोड़ के अंदर जहां प्लस का चिन्ह था हम वहां क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह, यानी कि फिर से देख लीजिए हमने क्या किया था, उसके अंदर
हमने कहा था कि सबसे पहला कार्य होता है हमारा जो है अरों का लय से निकालना, यानी कि अरों का लघुत्तम संभव प्रत्यय निकालेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि भिन्न के हर का भाग दे देंगे, यानी कि भिन्न का हर, और उसके बाद में हम करते थे कि भिन्न का अंश, जो कि भिन्न का अंश था उसका हम गुणा कर देते थे। इतना स्टेप हो गया। इसके बाद में हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाने के बाद हम फिर से लिखेंगे अरों का लय से, क्योंकि हमारे पास हो सकती है 3 भिन्नों का घटाव हो, 4 भिन्नों का घटाव हो, या 2 भिन्नों का घटाव हो। यहाँ पे आएगा भिन्न का हर, गुणा में आ जाएगा हमारे पास भिन्न का अंश, और ये जो स्टेप है वो चलती जाएगी, यानी कि जितनी हमारे पास भिन्नें होंगी उतनी तक चलती जाएगी। और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा हरों का लय से, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। अब मान लीजिए हमारे पास दो एक भिन्न दी गई है, यानी कि हमें घटाव निकालना है, और उसके लिए मान लीजिए हमें दी गई केवल 2 भिन्नें। जैसे कि मैं मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो 6/7 माइनस हमें करना है 5/6। तो इसका हमें मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लय से निकालेंगे। इसका लय से निकालने के लिए हम इसको करेंगे 7 और 6, इसका सबसे पहले 2 पे 7 और 3, 3 पे 7 और 1, फिर 7 पे, यानी कि 1 और 1, और जब हमने इसको गुणा किया तो ये आ गया 42, यानी कि 2 × 3 × 7, और ये आ गया 42, 42। तो हमने कहा था कि सबसे पहले हरों का एलसीएम, जो कि हमारे पास है 42 भाग भिन्न का हर, और यहाँ पे भिन्न का हर क्या है? 7। 7 से हमने इसको भाग दे दिया, और गुणा में हम कर देंगे भिन्न के अंश का गुणा। फिर हमारे पास है माइनस का चिन्ह, इसके बाद में हम फिर से करेंगे 42/6 × 5, और बटे में हमारे पास कौन सा है? वो है 42। इसको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको भाग दिया तो ये आ गया 6, 6 × 6 = 36। फिर से यहाँ पे गया तो यहाँ पे आ गया 7, 7 × 35 = 35, और ये आ गया 42, यानी कि 1/42। तो ये एक उचित प्रकार की भिन्न बन चुकी है, और 1/42 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, और इसके लिए हमने भिन्नों के घटाव को भी देख लिया है। तो अब हम देखते हैं भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो भिन्नों का गुणा करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें क्या करना है, भिन्नों के गुणों में केवल एक ही स्टेप करना है, वो है हमें अंश का अंश से गुणा और भिन्न का भिन्न से गुणा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि अंश का अंश से गुना और हर का हर से गुना, अंश का अंश से गुणा कर देना है और हर का हर से गुणा कर देना है। जिसी प्रकार हमारे पास मान लीजिए 1/3 × 5/4 है, तो इसका हम क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा करेंगे सबसे पहले, यानी कि 1 × 5, और बटे में हमारे पास हो जाएगा 3 × 4। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/12, ठीक है। यानी कि अंश का भिन्नों का जो गुणा करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है, जिससे हमारे पास इसका आंसर आसानी के साथ आ जाएगा, यानी कि कोई भी जो परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं भिन्नों का भाग। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्नों का भाग। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम भिन्नों का भागफल ज्ञात करने के लिए पहली भिन्न का दूसरी भिन्न का भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल दिया गया हो, इसके अंदर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 भिन्नों का अगर आपस में गुणा करना होगा तो पहली भिन्न को अगर हम क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर कहा गया है कि आपको 5/3 जो है एक प्रकार की भिन्न है, और आप में उसको 7/2 का भाग देना है। तो हम इसका क्या करेंगे, तो हमने कहा था कि जो पहली भिन्न है उसको छोड़ के जो दूसरी भिन्न है उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात, व्युत्क्रम से इसको मल्टीप्लाई कर देने। कहने का अर्थ है कि हमारे पास पहली भिन्न है वो है 5/3, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस भिन्न का हमने कहा था कि दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम से गुणा करेंगे, यानी कि इस भिन्न से व्युत्क्रम से गुणा किया, यानी कि 2/7 से हम इसको गुणा कर देंगे, और इसके बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 10/21, ठीक है, व्युत्क्रम से गुणा। कहने का अर्थ है कि जो इस प्रकार से थी ये भिन्न, यानी कि 5/3, फिर भिन्न है हमारे पास ये है 7/2,
इसको जब हमने सरल किया तो ये आ गया 5/3 × 2/7, और इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 10/21। तो इस प्रकार से हम इस बिन को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हमें एक आगे व्युत्क्रम बिन को लिखना है जिससे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। कहीं ना कहीं इसका कहने का अर्थ है कि पहली बिन का अंश दूसरी बिन की हर से गुणा करेंगे और पहली बिन के हर का दूसरी बिन के अंश से गुणा करेंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार का इसके अंदर रिलेशन सा प्राप्त हो जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बिनों का सरल रूप। बिनों का सरल रूप किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो कहने का अर्थ है कि अगर अंश व हर का गुणनखंड एक के अलावा कोई और नहीं है तो वह बिन का सरल रूप कहलाता है। जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/4 हो, आप देखोगे इसका भी गुणनखंड एक है और इसका भी गुणनखंड एक है, यानी कि एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम इसका भाग दें तो वह पूरी पूरी तरीके से जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास हो 5/2 हो, अगर आप देखोगे तो 5 × 1 लिख सकते हैं इसके गुणनखंड को, इसको 2 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि एक के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जिससे हम इसको भाग दें तो वह पूरी पूरी तरीके से जाए। अगर ऐसी स्थिति हो कि अगर हमारे पास उसके अलग अलग गुणनखंड प्राप्त हो रहे हों तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, ये तो एक सरल रूप के रूप में ही है, और मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया जिसके अंदर हमारे पास एक दिया गया 36/44, तो ये जो आप देख रहे हो ये एक सरल रूप के अंदर नहीं है, हम इसको क्या करेंगे सरल रूप के अंदर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे ऊपर वाली संख्या का, जो निकलता है कुछ इस प्रकार से, यानी कि 36, सबसे पहले हमने इसको 2 पे किया तो 1 और ये 8, फिर से हमने इसको 2 पे किया तो ये आ गया 9, फिर से हम इसको करेंगे 3 पे तो ये आ गया 3, और इसको करेंगे 3 पे 1, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, तो ये बन गया इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे दूसरी संख्या का भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे जो कि है 44, सबसे पहले हमने 2 को किया तो 22, फिर से हमने 2 को किया तो 11, फिर से हम इसको भाग करेंगे 11 से, यानी कि इसका जो बन गया है वो बन गया है जाता है 36 कि 2 × 2 × 11, ये बन गया 44। अब आप क्या देखोगे, अब आप हम इसके अंदर देख रही हैं कि सबसे पहले जो संख्या है जो गुणनखंड है 2 2 वह समान है, इसके बाद में 2 2 समान है, यानी कि ये जो पूरे पूरे 2 × 2 के जो गुणनखंड है वो महत्तम समापवर्तक निकल रहे हैं, यानी कि जो अगर हमें 36 और 44 का महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो हमारे पास निकल गया 4। अब एक ऐसी 4 एक ऐसी संख्या है जो एक के अलावा इस संख्या का गुणनखंड है, तो हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि इसके अंदर इसका भाग दे देंगे, यानी कि 36 में भाग देंगे 4 का और 44 में भी भाग देंगे हम 4 का, तो हमारे पास सरल रूप होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9/11। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पूरे को भाग दें, जैसे पहले हम 2 से भाग देंगे इस दोनों संख्याओं को तो हम देखेंगे 18/22 बन जाएगा, फिर हम देखेंगे और भाग जाता है तो हमें पता है कि 2 से 1 बार और भाग दे सकते हैं और 1 बार और देंगे तो 9/11 जाएगा, या आप सीधा महत्तम समापवर्तक निकाल के उस संख्या से भाग देके लिख सकती हो। तो इस प्रकार से हमारे पास एक बिन का जो है वो सरलतम रूप प्राप्त होता है, यानी कि हो सकता है हमारे पास जो बिन है वो पहले से ही प्राप्त सरल बिन हो, लेकिन अगर न हो तो किस प्रकार से हम इसको व्यक्त करेंगे। तो अब हम कुछ इसके पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, यदि हमारे पास कुछ 3 या 4 बिनें दी गई है, 2 3 4 बिनें दी गई है, और अगर उनके अंश समान हो, तो सबसे छोटे हर की संख्या, यानी कि छोटे हर की संख्या का छोटे हर की बिन का मान बड़ा होगा। दूसरी चीज हमारे पास हो जाएगी कि बड़े हर की बिन का मान छोटा होगा। मान लीजिए हमारे पास जो एक बिन है, अगर उसके अंदर हर अंश के मान का समान है, यदि उसके में अंदर अंश का जो मान है वो समान है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर छोटे छोटे हर होगा, यानी कि अगर उस बिन का हर जो है वह छोटा होगा, तो उसका जो बिन का
जो मान आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा, और अगर बड़ा हर है तो उस भिन्न का मान क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास दो भिन्नें दी गई है कुछ इस प्रकार से ए बटे बी, और दूसरी भिन्न हमारे पास दी गई है सी बटे डी, ठीक है। अगर इस प्रकार से दी गई है और इनका हमने कर दिया वज्र गुणा और तुलना कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहली तुलना यह दी गई है कि यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास ए डी का जो मान है वो है बड़ा है बी सी से, तो इसको हम भिन्नों के रूप में अगर लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यानी कि ए डी बटे एक और बी सी बटे एक। अब हम एक पद को ले आएंगे, यानी कि बी को यहाँ पे ले आएंगे और डी को इधर ले आएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर से, इधर का इधर से, यानी कि जो हमारे पास गुणनफल प्राप्त होगा वो आ गया एक बटे बी का जो मान है वो हमारे पास बड़ा होगा सी और डी से, यानी कि ए बटे बी भिन्न है उसका मान हमारे पास बड़ा होगा सी बटे डी भिन्न से। अगर इसका मान, अगर ये छोटा मान हो, यानी कि ए डी का मान जो है वो छोटा हो बी सी से, तो भी हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि ए बी का जो मान है वो छोटा होगा सी और डी से। वो लास्ट जो है वो कहती है, या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो क्या हो सकता है। तो हमने आज की वीडियो के अंदर काफ़ी सारे गुणों के बारे में देखा कि भिन्नों का योग किस प्रकार से होता है, घटाव किस प्रकार से, गुणा भाग और सरल रूप के बारे में देखा। तो इसी के अंदर इसके जो चैप्टर के सारे गुणों को हम पढ़ चुके हैं, और अगली वीडियो के अंदर इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कुछ सालों के, पिछले सालों के अंदर आए थे, यानी कि नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनका किस प्रकार से आंसर करेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपसे इससे रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।